चाकुलिया के विधायक मिन्हाजुल आरफिन आजाद से मिलने चाकुलिया पहुंचे समस्तीपुर के एमएलसी तथा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव कमर आलम। बुधवार शाम को चाकुलिया तृणमूल कार्यालय में चाकुलिया के विधायक व एमएलसी कमर आलम के बीच मुलाकात हुई और दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात में कई जरूरी विषय को लेकर चर्चा भी हुई। मुलाकात के बाद कार्यालय के बाहर पत्रकार वार्ता कर दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं मुलाकात के बाद कही गई बातें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जो हैं बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ के, पूरी आवाम में इनके लिए बहुत अच्छी सोच है। आवाम ये कहती है यहाँ के, जो हम आसपास किशनगंज में आया था मैं, और जब इनके यहाँ आने का मौका मिला तो यहाँ के जो लोगों से मैं मिला तो मुझे लगा कि बहुत प्यार ये देते हैं अपनी आवाम को और अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए ये सबूत भी दिखता है कि एक आम इंसान की तरह ये मिलते हैं सबसे और लोगों का पूरा काम करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। थैंक यू जी। के आज जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव जी एवं एमएलसी कमर साहब आपसे मुलाकात करने यहाँ आए, क्या बातचीत हुई और किस विषय को लेकर के आप चर्चा की? इससे पहले भी आए थे कमर साहब, हम लोग का एमएलसी है बिहार के, और साथ में अंकल जी हैं जी, सब पहचानते हैं। खगड़ा जो महा थे हम लोग का फाउंडर हाँ डॉक्टर साहब नसीर साहब, तो इससे पहले भी मिले थे हम दोनों एक साथ। मिलने के बाद ऐसी बातचीत होते होते हम बोले जो देखिए आप लोग तो बहुत सारे काम करते हैं तो हम लोग का इलाका में भी आके थोड़ा कुछ काम के डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट कीजिए ताकि यहाँ का पब्लिक का फायदा पहुँचे। तो बोले जैसे हम लोग यहाँ हेल्थ और एजुकेशन के मामले पे अगर फसलें आप कुछ करना चाहते हैं मतलब प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, तो बोले ठीक है हम कोशिश करते हैं अगर होता है तो। यहाँ तो उनसे मिलके बहुत कुछ हमको जानकारी मिली और सीखने को भी मिला। जो आदमी बहुत ही काम के आदमी है और आज से नहीं राजनीति में वो बहुत पुराने हैं और वेस्ट बंगाल के अच्छे अच्छे जो नेता हैं मंत्री हैं अभी हम लोग का गवर्नमेंट में सबसे इनका ताल्लुक है और बातचीत भी है अभी उनके साथ चल रहा है और मिलना जुलना भी है। मेरे सामने में एक दिन फ़ोन भी किए थे, हम लोग सबका मतलब प्रियो मतलब चाहता एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर जिनको दीदी जिनको कलरफुल बॉय नाम से पहचान गया शायद मदन मित्र जी, उनसे भी ताल्लुक है, उनका फ़ोन भी किए थे, बातचीत भी थी। तो हमको जो ये हुआ जो बहुत काम के आदमी है और आवाम के लिए भी सोचते हैं और चकलिया में यहाँ आके वो चाहते हैं जो हमसे एक साथ मिलकर कुछ यहाँ अगर काम किया जाए सोचते हैं।